हमने जिसे हार समझा था गुलाब ना सजाने को, और वो काला नाग बन बैठे खुदी को काट खाने को। भाई आज दोपहर हो लिया, आज बहन चो रुखसाना ना खाना ही न दिया हमें, पर रुखसाना खाना लिया मुझे दिखे लगता कुछ है ही ना सिस्टम। चाचा धनी राम के ही देखूं लगा बुढ़ा के ही मारूं हाथ, जुगाड़ बनाऊं देखूं क्या कर रहा है बुढ़ा। अब भतीजे क्या हाल है? अरे चचा राम राम। आओ राम राम। और बताओ। ये कह रहा हूँ कहाँ गए चचा धनी राम? वो तो निकल गया सुबह खेतन पे। बुढ़ा सटे आ गया, बुढ़ापे में इतनी कड़क ठंडी पड़ रही, हम तो अभी निकल पाए घर से। सुबह सुबह निकल गए घर से खेतन पे। क्या नाराज कर गया, कर दिया दिखे? हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो घूमने गए खेतन पे। चाची चली गई छोड़ के, इस वजह मुझे लग रहा नाराज दिख रहा है बुढ़ा। खेतन पे निकल गया। कौन देखे ट्यूबवेल वाले में गया क्या? बुढ़े को ही देखू आज मैं। बुड्ढे को पता नहीं बुढ़ापे में कितना चाहिए, देखियो कैसा मेहनत में लगा पड़ा, इसे ही देखूं आज। बहुत दिन हो गए मुझे पानी में लहरा ले रही राज, बेल सिंगाड़े की के राजा हजली लही ओले, असली पैर तना जड़ियो मेरे रहया बचने की यार, तेरी बगिया पपीता मजेदार, यार तेरी बगिया पपीता मजेदार, डाली डाली पे अनहर डाली। अच्छा बुढ़ापे में सटिया गए हो तुम्हें, बताओ मैं पूरे गांव में देखे फिर रहा का चच्चा कहाँ गए कहाँ गए। तो लौंडे ने बताया कि चच्चा गए खेत को। हाँ बता जो मन का कह रहा। मैं ये कह रहा मैं तुम्हें पूरे गांव में देख ही आया और जहाँ तहाँ देख लिया, मिली ना रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं बुढ़ापे में? अब तो तुम कम से कम काम फाम छोड़ ही दो। अरे यार जम्मन खाएंगे ना तो करेंगे, ना तो खाएंगे क्या? ते घरे सुरोई खाएंगे, मालक न करते हैं काम तो हमें तो करना पड़ेगा। चाचा मैं काम करने को मना ना कर रहा लेकिन उम्र का भी लिहाजा कर लिया करो है। मुझे दिखे चच्ची के गम में तुम्हें दूर फिर रहे हो, मैं सुन रहा उधर से गाने वाने गा रहे, मगर चच्चा आजकल ज्यादा रंग ले रहा चच्ची जाने के बाद में। तुम इधर को आ जाओ, तुम तो बैठने का वो है ना, आ जाओ इधर को आ जाओ, बैठेंगे तुम्हारे पानी। चच्चा चाची कैसे छोड़ के चली गई पहले मुझे ये मसला बताओ, तुम्हारा मसला समझ नहीं आ रहा मुझे। यार क्या बताऊं यमन, हर काम तो करता था, हर काम बर्तन बर्तन झाड़ू लगाता, इतने पे इतने गुस्सा आया मेरे को, मैंने बजा दिया, वो छोड़ के चली गई। तुमने लट बजा दिया चच्ची पे? हाँ। बुढ़ा बड़ा नालायक है, इतने भले मनसाल औरत को तुमने पीट दिया है। भाई मुझे तो कुछ दाल में काला ही दिख रहा, तुमने चच्ची को मारा इसका मतलब इसमें किसी दूसरे का हाथ है। मुझे तो तुम्हें उस पड़ोसन पे ही शक लग जा रहा, फूलवती चच्ची पे। मुझे बहुत मालूम है तुम्हारे बारे में, जानकारी पूरी है, मैंने देखा उस दिन तुम क्या कर रहे हो उस वाले कुएं वाले खेत पे, और रास्ते में जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में फूलवती चाची मिली, तो मुझे तभी डाउट हो रहा कि चाची वहीं जा रही होगी चाचा के पास में। देखियो तुम अभी देख रहा हूँ मैं निकल के आ जाओ, तुम्हें दिखाऊंगा ना रास्ते में आ रही हो, मुझे तुम्हारी पता लग रहा। जम्मन सच में ही फूलवती आ रही है क्या? मतलब तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है, अपने जिगरी यार पे शक हो रहा है? ये वहां से मैं चल के आया, मैंने कि यही बता दूं चच्चा को,
अब मुझे तो तुम पे पहले से सकता इस चीज का। जब मैंने फूलवती चाची को देखी, अब जब मैं यहाँ आया मैंने देखा चाचा ना क्या सुंदर टाइप की बना रखी, चारों तरफ से ढक रखी है, मड़ैया बनाई है। तो मुझे तो मड़ैया देख के ही शक हो गया कि आज तो कुछ दाल में काला ही करेगा चाचा। अब मैं तुम्हें शक दिख रहा, चलो आओ दिखा दो भाई। जुम्मन क्या कर रहे हैं यहाँ? चाची मुझे पता तुम्हें सीन, तुम्हें ये सामने अच्छा ना शोभा देते, मुझे तुम्हारी पहले से पता ही है। ये चचा की हरकतों को तो मुझे पहले से ही पता ही, पर मैं कुछ ना कहने का, मैंने कुछ ना देखा। मैं जा रही हूँ, मैं चल चल बोरे मान जाओ, तेरा आदमी उठवा दे रहा हूँ। अरे जमन आज ही ने घात लगाई, बहुत भारी है, उठाओ ना समझ। अरे जमन बहुत भारी हाथ लगाइए ने, आइए। रे चचा तुम्हें उम्र का तो लिहाजा है ही ना, है तुम्हारा अंजन है 35 का छकड़ा जोड़े फिर रहे हो, इतना इजी से तो देख लिया करो। तुम्हें ऐसे मत बोलो मेरे बाबू को, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। ए चाची फूलबत्ती तुम्हें भी सोचना चाहिए, तुम भी जवानी के झटके में किसी को देख ही ना रही हो। इससे क्या मतलब है चाचा, जाने तो वैसे मेरा मूड खराब हो जा, मेरा खुल जा ना मुंह तो फिर तुम हर जाओ, मैं उठवाऊं है तो उम्र का लिहाजा कर लिया करो, तुम भी उठाओ चाची फूलबत्ती। क्या है इसमें बड़ा तगड़ा गठर। चाचा तुम्हें ये बतला रहा हूं मैं, उम्र का तो कति भी लिहाजा ना है, कम से कम उम्र का तो लिहाजा कर ही लिया करो। अब बताओ है, अगर आज मैं ना होता यहाँ पे है तो कैसे उठवाते तुम चाचा चाची फूलबत्ती को है? ऐसे ऐसे ना बोला कर, बहुत प्यार करे वो मुझे। बुढ़ा आसकी में चूर हो रहा है, समझ ही ना रहा हो कुछ तो है। अगर देख लिया ना तुम्हारे लौंडों ने ना तो हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी है, और मुझ पे भी आक्षेप लगवाओगे। जुम्मन का यार है ये, जुम्मन ने किया होगा जो कुछ भी किया होगा है, मेरे ऊपर खाम का तुम दिलवाओगे आक्षेप। वैसे भी ये कह रहा हूँ बीड़ी बाड़ी कुछ है के ना जेब में, खत्म हो गई जुम्मन। अरे बुढ़ा मुझे बीड़ी खा बड़ा काम तो मुझसे ही ले लगा, लेकिन बीड़ी ना पिला सकेगा, तुझे पता ना मेरा हाल कितना बुरा चल रहा है चाचा। अरे तू टेंशन मत ले, तू बीड़ी की का चलते पौआ पिलवाऊंगा, ऐसे काम चलन दे। अच्छा पौआ पिलवाओगे हैं? हाँ। 10 रुपए की बीड़ी आवे बो तो तुम पिलवाना। रे इतने दिन हो गए मैंने कहा कि बिंडल बिंडल साथ में रखा करो, तुम्हें तो कुछ सुनवाई ना होती हैं? चलो कोई बात ना, अब घर को चल ले, यहाँ बहुत बेर हो अबेर होली। हाँ आ जाओ चलो। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।